गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर बार। आज मैं जल्दी उठ गया हूँ और वसु देखो अभी सो रहा है। वसु तो अभी इसका टाइम नहीं हुआ, इसने सो लेना दो थोड़ी देर। तब तक मैं के ऊपर घूम लेता हूँ और अपने ब्रश वगैरह कर लूँगा। दोस्तों मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और है ना रोंगटे खड़े हो गए। ठंड लग रही है, बादल हो रहे हैं सही, यानी है ना बारिश आई है हल्की हल्की और भाई पता भी नहीं लगा बारिश आ रही है। गली है ना गिल्ली है और उसको देख के लग रहा है कि हाँ भाई बारिश आई है। छत भी इतनी गिल्ली नहीं है पर बारिश तो आ रही है। भाई टाइम तो उठ रहे हैं, थोड़ी देर घूम लेते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूं और उसके बाद है ना फिर टाइम तो निकल जाऊंगा अपने स्कूल में। नीचे जाता हूँ, वसु को भी उठा देता हूँ क्योंकि इसकी मम्मी तो है नहीं, वो तो अपने घर गई हुई है। तो मेरी अभी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जो है ना वो बढ़ रही है, वसु को तैयार करना, उसका काम करवाना, स्कूल में उसको भेजना और भाई उसका ध्यान रखना। सुबह शाम उसको घुमा, सुबह तो नहीं शाम को फिर मैं उसको घुमा के लेके आता हूँ। तो अब मैं उसको उठा देता हूँ, उसके उठने का टाइम हो गया, 6 से ऊपर टाइम हो गया हुआ। तो जाता हूँ एक बार नीचे और उसको संभालता हूँ। भाई ग्रीन टी अपनी मैं बना रहा हूँ, जब तक मैं है ना नहाऊंगा धोऊंगा ब्रश वगैरह करूँगा तो ये पीने लायक हो जाएगी। तो अभी इसको बना लेता हूँ, देखो चल ये प्रोसेस। भाई अपनी ग्रीन टी पी लेते हैं और मैं ना इसको छत पे ले आया क्योंकि मौसम आज सही हो रहा है तो छत पे ही पीऊंगा आज मैं इसको। लो भाई वसु भी उठ गया है। वसु गुड मॉर्निंग भाई। भाई अपने ब्रश करने लग गया है और जिया भी उठ ऊपर आ गई है और जिया ने भी देखो ब्रश कर ली इतनी जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग जिया। भाई मैं तैयार हो गया हूँ और मैं निकलता हूँ आज, मैं जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है जिया। और सारे दरवाजे हैं ना ऊपर के बंद कर दिए बेटी, अच्छा सारी लाइट बंद कर दिए, ठीक है भाई मैं अपने सैंडल डाल लूँ फिर मैं निकल जाऊँ। भाई निकल लिया हूँ घर से और आज भी मैं ना गाड़ी लेकर जाऊँ क्योंकि आज जल्दी आना है, इसलिए आज गाड़ी ले जाऊँ। भाई बहुत दिन में बारिश का मौसम हुआ था और अब है ना सूर्य देवता है वो निकल गए हैं और इधर तो हो रहा है ऐसे, देखो इस साइड तो आपको दिख नहीं रहा होगा, काला काला हो रहा है कि शायद बारिश आ जाए पर सामने देखते हैं ना तो ऐसा लगता है बारिश नहीं आएगी। और बारिश आए ना काफी टाइम हो गया और गर्मी सच में बहुत ज्यादा हो रही है। सुबह तो ठंड रहती है, शाम को भी हल्की हल्की ठंड हो जाती है
पर वो बाहर होती है, कमरों के अंदर तो गर्मी रहे। जब तक बरसात नहीं होगी ना तब तक मजा नहीं आएगा। और देख लो बरसात हुए मेरे हिसाब से तो 20-25 दिन तो जरूर हो गए होंगे। ठीक है तो भाई बरसात हो जा, मैं तो भगवान दे आए कहूँ बरसात हो जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए हमने भी, और ठंड सी की शुरुआत हो रही है वो थोड़ी और भी बढ़िया हो जाएगी। दोस्तों मौसम है ना एक बार फिर बदल गया है, फिर ऐसा हो गया कि जैसे बारिश आएगी। भाई फिलहाल पुलिस स्टेशन पहुंच गया हूं, पुलिस स्टेशन कह रहा हूं पुलिस लाइन जाड़ौदा, और जाम है ना कम है, नहीं तो मैंने सोचा था कि भाई जाम ज्यादा मिलेगा क्योंकि गाड़ी जिस दिन मैं लेके आता हूँ ना उस दिन जाम हमेशा मिलता है। अभी तो मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ, जाम वाली जगह पे देखता हूँ वहां के हालात कैसे रहेंगे। लो भाई स्कूल तो निकल लिया हूँ, फिलहाल एक बार जोनल ऑफिस जाऊंगा, थोड़ा सा काम है वहाँ सैलरी वैलरी से रिलेटेड, तो वो काम निपटा के फिर घर की तरफ जाऊंगा। भाई फिलहाल बहादुरगढ़ पहुंच गया हूँ, और यहाँ से ये लगा लो आप गाड़ी में हूँ 15-20 मिनट लगेंगे मुश्किल से। और आज तो है ना नजफगढ़ में भी जाम नहीं मिला, सबसे बेस्ट चीज़ हुई है ये आज, और मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मान लो जाम नहीं मिला तो आज मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। टाइम फिलहाल हो रहा है भाई ये लगा लो आप 1:15 बाकी हैं, तो आज मैं जल्दी आ गया था, अपने हाफ डे लगवा लिया था कि भाई हाफ डे लगवा लेता हूँ और घर पहुंच जाऊं, क्योंकि पापा को लेके भी जाना है, एक बार बैंक में जर जाऊंगा, एक दो काम और हैं अपने वो निपटाऊंगा आज, इसलिए मैं गाड़ी लेके आया था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो आज सही में गाड़ी का फायदा हो गया कि मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी। भाई पहुंच गए हैं घर, टाइम तो लग गया थोड़ा सा, देखो गाड़ी का कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, कैसे हुआ पता नहीं, ये पूड़ी लगा रखी है बाजरे की। पापा गेट खोलने लग रहे हैं, पहुंच गए हैं भाई घर। जिया वसु अभी आए नहीं है, मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूं, तब तक कितनी देर में वो भी आ जाएंगे। सेब खा रहा हूं, बंद बंद है, सुबह मैं ये बंद करके गया था और मन ने खोल लिया है बाग। वो आ जाएंगे ना तब जर जाऊंगा, वसु को साथ लेके जाऊंगा। आ
आगे भाई हम जद जद है, मैं पापा मम्मी जी और वसु हम पाँचों जाने जा रहे थे और जिस काम के लिए जा रहे थे हमारा वो काम भी हो गया है। और भाई अब करवाना है वसु का स्कूल का काम। भाई वहां से आने के बाद है ना वसु तो अपने पढ़ने लग गया, तो तीन चार कॉपी का तो सुन लिया मैंने, इसका याद है ठीक है, अब और याद करने लग रहा है। अब देख लो इसका याद करने का तरीका देख लो एक बार। भाई कुछ देर छत पर आ गया हूँ मौसम का मजा लेने के लिए, घूमने आज गए नहीं क्योंकि झज्जर चले गए थे तो वहाँ टाइम लग गया था और थोड़े थक भी गए क्योंकि आकर रेस्ट नहीं करा। अब क्या है कि अपने पेड़ों में पानी दूंगा, देखो बिल्कुल सूखने लग रहा है, पानी नहीं है बिल्कुल कौन से भी पेड़ में, तो इनमें एक बार पानी दे देता हूँ मैं। भाई पानी देने के लिए डिस्टल वाटर की बोतल का इस्तेमाल किया है, जिसमें डिस्टल वाटर आता है ना बैटरी वाला पानी। नीचे जाऊंगा मैं, कौन जागा नीचे, मैं बाल्टी उठा के लेकर आनी पड़ेगी, तो भाई इस तरह देता हूँ पानी सारे पेड़ों में। भाई पेड़ों में तो दे दिया है पानी, शाम के टाइम ठीक रहे पानी देना क्योंकि सुबह दे जाऊंगा धूप इतनी ज़्यादा है तो सारा सूख जाएगा, कम से कम पूरी रात दिन में पानी डल्ला रहेगा और सुबह सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये अपना जो अपना भोजन बनाना शुरू कर देंगे। भाई मौसम गर्मी तो है, हवा भी चल रही है, वैसे तो चिपचिपा चिपचिपा सा मौसम हो रहा है। भाई खाना खा लिया है, दाल दूल बन रही थी, वसु ने तो चूरमा खाया है और अब है ना इसका काम करवा दूं, इसका मैथ का काम रह रहा है। और ये एसी है ना इनकी है ना वो जाली वगैरह वो साफ करिए, देखो कितने पसीने आ रहे हैं, तो चलो भाई इसका काम करवा देता हूँ एक बार।